आईएमए ने अलवर को नशा मुक्त करने का निर्णय लिया है। आईएमए जिला अध्यक्ष डॉक्टर विजयपाल सिंह ने बताया कि यह निर्णय लिया गया कि नशा मुक्त अलवर को बनाना है। युवा पढ़े लिखे होने के बावजूद नशे का शिकार हो रहे हैं। आईएमए ने नशा मुक्ति अभियान चला रखा है। अभियान के तहत युवाओं को जागरूकता कर मांसाहार नशे से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। आईएमए ने भी अपने तमाम कार्यक्रमों में मांस मदिरा से दूर रहने का निर्णय लिया है। हमारा सबसे पढ़ा लिखा वर्ग है डॉक्टर्स का, और इन जितने भी उच्च वर्ग होता है उसको निम्न वर्ग डेफिनेटली फॉलो करता है। जब हम इतने पढ़ लिख करके भी इस तरह की हरकतें करेंगे तो हमारे को समाज जो फॉलो करेगा वो कतई अच्छा नहीं हो सकता, और ये किसी से किसी का भला नहीं होने वाला। मांसाहार या शराब से पीने से किसी समाज का भला नहीं होने वाला है। तो हमने ये आईएमए में निर्णय किया है कि अलवर आईएमए एक रोल मॉडल प्ले करेगा देश में, जहां पे किसी भी पार्टी के अंदर शराब और मांसाहार नहीं होगा। तकरीबन कितने मेंबर? 300 मेंबर हैं। किस तरह का रुझान रहा जब आपकी इस बारे में चर्चा हुई अन्य डॉक्टर? 70% लोग फेवर में है, 70% लोग फेवर में है कि ये नहीं होना चाहिए था। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश तिवाड़ी, ईएनडी विशेषज्ञ, सचिव आईएमए अलवर। जैसा कि सर्वे विदित है कि आईएमए अलवर ने नशा मुक्ति अभियान चला रखा है, उसी के अंतर्गत अभी हम लोगों ने 2 मार्च को भी साइकिल रैली का आयोजन किया था, और हम इस अभियान के अंतर्गत समाज को एक जागरूकता पैदा करते हैं कि लोगों को किसी भी तरीके के व्यसनों से दूर रहें। इसी के अंतर्गत आईएमए ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि आईएमए के किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी मीट में शराब और मांसाहार दोनों की अनुपलब्धता रहेगी। धन्यवाद।